हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं वेज नवरत्न कोरमा। देखिए कितना स्वादिष्ट और कितना देखने में गुड लुकिंग है ये कोरमा। आइए इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, ये देखिए इनको अच्छे से धोकर हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर रखा है। बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, आलू और कुछ 100 ग्राम ताज़ा पनीर और काजू लिया है हमने, फ्रेश दही लिया है। इनका पेस्ट बनाएंगे। हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के सारी सब्जियों को डाल के चला देंगे इनको अच्छे से। हमें इनको फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम, कम ऑयल में ही हमें इन्हें कुक करना है। हमने इसमें नमक डाल दिया, शिमला मिर्च, और इनको हम ढक करके 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच पे पकने देंगे। तब तक हम अपना पेस्ट बना लेते हैं। ये हमने दही लिया है, ये काजू डाल के हमने पेस्ट बना लिया अच्छा सा। हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं अपनी सब्जियों को। ये हम चला देते हैं, अभी हमारी सब्जियां पकी नहीं हैं। कुछ लोग तो इसको अच्छे से तेल में फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स, पर हम ज़्यादा ऑयली नहीं बना रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा ही तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम फोक की हेल्प से चेक कर लेते हैं सब्जी हमारी कुक हो गई है कि नहीं। हम इनको बॉयल नहीं करेंगे, नहीं तो बॉयल हो जाता है तो वो टेस्ट नहीं आता है, इसलिए हम ऐसे ही पकाएंगे। हमने पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल रखा था, उसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। दोनों का फ्लेवर मिल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने जीरा ले लिया है, तेज़पत्ता बड़ी और जो है लौंग लिया था, काली मिर्च, इन सब का छोटी इलायची, इन सबको कूट लिया था मैंने, और दालचीनी का 1 टुकड़ा। ये सब डाल के हम लाल कर लेंगे। फिर 1 चम्मच अदरक हमने कद्दूकस किया हुआ, 2-3 हरी मिर्च और धनिया की कुछ पत्ती भी डाल दिए। यहाँ पे हम धनिया पाउडर भी डाल के अच्छे से चला के गैस का फ्लेम बंद कर देंगे मसालों को पका के, नहीं तो हमारे मसाले जलने लग जाएंगे। और गैस का फ्लेम बंद करके ही हम दही का जो पेस्ट बना के रखा है दही और काजू का, उसको अच्छे से उकल लेंगे। हमने फ्लेम ऑन कर दिया है, फ्लेम को हम मीडियम लो ही रखेंगे और उसी आँच पर हम इनको अच्छे से पका लेंगे मसालों को। ऑयल अलग हो गया है, देखिए अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं। और हमने टमाटर लिए थे, उनके बीज निकाल के और इसी स्टेज पे डाल देंगे, पहले नहीं डाला। और ये हमने फ्रेश मलाई रखी थी वो भी हमने इसमें डाल दिया। 1 चम्मच हमने चीनी डाल दिया है। हमने लाल ग्रेवी वाली सब्जियां तो बहुत खाई हैं फ्रेंड्स, पर एक बार वाइट ग्रेवी वाली सब्जी आप बना के खाइए, बहुत टेस्टी ये सब्जी बनती है। और यहाँ पे हमने जो ताज़ा पनीर लिया था उसको भी हमने मिक्स कर दिया। और अब जो हमने सब्जी हमारी फ्राई के वो रखे थे बॉईल करके, उसमें हमने ये मिक्स कर दिया। आप अपने, आपको कितनी ग्रेवी थिक और पतली रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर दीजिए। हमने स्वाद अनुसार नमक और ये डाल दिया है, चला दिया। 4-5 मिनट हमने इसको और पका लिया है फ्रेंड्स। ये सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमारे बच्चे तो मांग मांग कर इसको खाए हैं पेट भर के। हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इतनी मेहनत करके हम बनाते हैं। आ जाइए, नवरत्न कोरमा, वेज नवरत्न कोरमा सर्व है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा खा के फ्रेंड्स। थैंक यू।